स्वामी चक्रपाणी, पहला प्रश्न आपसे। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं महादेव को लेकर, इतने दिनों से जो विवरण चल रहा था, जो बातें चल रही थी, और ये तस्वीर जब आप सामने देखते हैं, कहीं पर संशय कुछ रहता है आपको मन में कि इसका कोई दूसरा पक्ष भी हो सकता है? बिल्कुल संशय नहीं था और शुरू से हमें संशय नहीं था। संशय तो असुद्दीन ओवैसी चाहे कुछ कट्टरपंथियों को संशय था जो हमारे विश्वेश्वर महादेव के उस मंदिर को, उस शिवलिंग को बार बार फवारा कह के देश और दुनिया को और खास तौर से मुस्लिम वर्ग को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे और राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। अब तो उनको पूरे देश से माफी मांगने की आवश्यकता है, या ऐसे कट्टरपंथी जो उसको बार बार वो जो खाना वो कहने का काम कर रहा था और कह रहा था फवारा है, उसको या तो चुटकू पर पानी में डूब जाना चाहिए। देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, एक तो अन्याय हिंदुओं पे, सनातनियों पे उस समय पे औरंगजेब ने किया और मुगलों ने किया, विदेशी आक्रांताओं ने किया, और उस समय के कुछ इनके दूत अभी भी हैं जो अभी भी अपमान पे अपमान करते जा रहे हैं। आप बताइए, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, वहां की दीवारें चीख चीख के कह रही, वो त्रिशूल चीख चीख के कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है। शिवलिंग के ऊपर जो बने हुए अनेचुरल तरीके से लग रहा है, कुछ दिन पहले उस पे सीमेंट से अनेचुरल तरीके से बना दिया गया। दुनिया में कहीं भी इस प्रकार से फवारा कोई है तो हमें दिखा दे कि शिवलिंग के आकार पे ऊपर इस तरह कहीं फवारा होता है। तो ये जानबूझ करके देश को गुमराह, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम थी ही नहीं, ये लड़ाई तो भारत भारतीय बनाम देशी आक्रांता की थी, लेकिन असुद्दीन ओवैसी और तमाम कट्टरपंथी लोग इसको हिंदू मुसलमान करने में लगे पड़े हैं और ये जानबूझ करके कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। तो इन्हें हिंदू की चाहत है, मुस्लिम से अदावत है, इनका धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है, मात्र ये राजनीति कर रहे हैं, मात्र राजनीति करके देश को दंगे करा के आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। अभी देवबंद में जिस प्रकार से उलेमा राग रो रहे थे और घड़ियालू वास पा रहे थे, ये क्या मतलब बनता है? पीड़ित हिंदू है, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा गया, हिंदुओं पे अभी भी अत्याचार हो रहा है, हमारे शिवलिंग पे सरकार दिखाई दे रहा है, सरकार से अपमान किया जा रहा था वहां पे, हिंदू खुद लेकिन स्वामी चक्रपाणी जो निर्णय है वो अदालत से ही आना है, लेकिन वारिस पठान जी आप क्या कहना चाहेंगे इन तस्वीरों पर? नहीं देखिए, मैं सुन रहा था अभी जिस तरह से ये बता रहे थे कि वहां पर हो गया फैसला और ये मिल गए शिवलिंग है, ये इस तरह की बातों को रोकने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जब तक अदालतों का फैसला नहीं आता आपको ये सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है रिपोर्ट को। इसी तरह पहले भी जब भी सर्वे कमिश्नर ने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया था कोर्ट के फैसले के पहले और बाहर आके चिल्ला पुकार कर दी कि बाबा मिल गए, तभी ही कोर्ट ने उसको निकाल दिया था, उसके बाद दूसरा सर्वे रहा। अब फिर से ये कोर्ट का अपमानता कर रहे हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं कि वहां से कोर्ट का आदेश आने के पहले इस तरह का ये कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, आज वकीलों ने वहां पे जो मुसलमान पक्ष की तरफ से थे, जो मस्जिद कमेटी की तरफ से थे, उन्होंने आर्ग्यू भी किया है कि किसी भी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, ये जगह वक्फ की जगह है, और जो हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंदिर था वो भी गलत है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा था, पहले भी आर्ग्यू किया था कि वहां पर जो कुआ है, जो हौज है वजू खाने का, उसके बीच में फंवारा है, और इस तरह की काफी मस्जिदें हिंदुस्तान में है, हिस्टोरिक मॉस, वहां कर आप चलेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो मस्जिद होती है उसके बीच में एक वजू खाना होता है, उसके बीच में एक होता है फाउंटेन, फुंवारा, यही पोजीशन है। आगरा के ताजमहल में भी आप देखिए कितने सारे फाउंटेन लगे हुए हैं वहां पर, मगर इनको हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है, ये चाहते हैं कि उनको वर्गलाए और हिंदुस्तान के अंदर एक एनार्की का और हेट्रेट का माहौल ये क्रिएट करे, इसीलिए नहीं मानते प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट को, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फैसला अदालत को लेना डायरेक्शन दिया है। लेकिन नहीं नहीं, क्योंकि मैडम 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा, आपकी बात में जोड़ रही हूं सिर्फ बारिश पठान जी, सिर्फ ये पूछ रही हूं कि हर जगह आपने इजाजत दी है, देखा है, पर त्रिशूल के निशान कितने मस्जिद में देखे हैं आपने दीवारों में? नहीं तो वो तो भी अदालत फैसला करेगी ना, अभी तो 3 दिन पहले तो उन्होंने कहा कि ख्वाजा अजमेरी दरगाह के पास जो है, ख्वाजा मोहिदुद्दीन चिश्ती जिसके ऊपर दरगाह पे चादर बीजेपी वाले चढ़ाते हैं, मोदी चढ़ाते हैं, शिवसेना वाले चढ़ाते हैं, सब सबकी आस्था लगी हुई है वहां के बारे में, उन्होंने कह दिया कि स्वास्तिक मिल गया, ऐसा निशान दिख गया नाजी का, वहां पे स्वास्तिक है, तो ये तो किसी भी चीज को बना देंगे कुछ भी, कल कोई फूल दिख जाएगा तो बोलेंगे ये मैंने एक टी शर्ट खरीदा उसके ऊपर स्वास्तिक बनाए तो बोलेंगे ये भी हमारा, अरे जर्मनी तो पूरा फिर तुम्हारा हो गया, जर्मनी में तो हर तरफ नाजी की साइन है स्वास्तिक की। मगर कहने का मतलब यह है
आपने मुझे बीच में टोक दिया था, मैं 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करना चाह रहा था कि सब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पे नमाज पढ़ सकते हैं, जितने चाहे उतने पढ़ सकते हैं, वहां पे वजू कर सकते हैं, तो नमाज के पहले वजू जो करना है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नमाज का मुसलमानों के अंदर, तो वजू करने के लिए वो जगह है। हमने कहा ठीक है, हम जिसको फुहारा है, आप जिसको शिवलिंग बोलते हैं, उतनी जगह को कुछ नहीं करेंगे, मगर वजू करने की तो अनुमति दो, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया। तो ये लोग कौन होते हैं कि कोर्ट के आदेश आने के पहले ही पूरे देश के अंदर जाके बोल दो, वीडियो को निकाल के डाल दो, सब जगह बता दो कि यहां पे ये निशान मिल गए, वहां पे वो निशान मिल गए, और पूरे देश के अंदर खुदाई शुरू कर दो। देखिए इस तरह तो देश नहीं चलेगा ना। अगर मेरा दिल कर रहा है मैडम, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जिस घर में रहते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके घर के नीचे मस्जिद है, तो क्या मुझे कल अनुमति दे देंगे उनकी खुदाई करने की? चलिए बताइए मुझे, आपके चैनल के अंदर मैं बोलूंगा आपका जो स्टूडियो है उसके स्टूडियो के नीचे मुझे लगता है कि मस्जिद होगी, तो क्या कल खुदाई करने की मुझे इजाजत दे देंगे? उसके बाद देगा बनाने वालों का किस तरह की बातें आगे नहीं आ गया, और सिर्फ स्वास्तिक नहीं, और स्वास्तिक क्या था, कैसे जर्मनी पहुंचा, यह अलग बहस का विषय हो सकता है, पर त्रिशूल के निशान मस्जिद की दीवार पर कैसे आ गए, ये सबके मन में सवाल उठेगा। राकेश त्रिपाठी जी, ये जो हिंदू पक्ष के वकील हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये निर्णय लेना होगा और केंद्र सरकार को निर्णय लेना होगा कि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है तो उस पर चुप्पी नहीं रखी जा सकती। अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में। राकेश जी, देखिए श्वेता जी, इस पूरे मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं भी अप्लाई नहीं करता है। इस पूरे मामले को लेकर के अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी पहले ही हाईकोर्ट जा चुकी है और ये बात तर्क कर चुकी है हाईकोर्ट में कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा नहीं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है और इस मामले में सर्वे किया जाना चाहिए। सर्वे रुकवाने के लिए भरसक कोशिश उन्होंने की, सर्वे रुका नहीं, सर्वे से सारे तथ्य निकल कर आए। सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने से या दूसरे पक्षों को साझा किए जाने से भी रोकने की भरसक कोशिश की गई। वही लोग हैं जो कुछ छुपाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि सत्य उद्घाटित नहीं होना चाहिए, लेकिन अब सत्य तो दुनिया के सामने है और सांच को आंच नहीं होनी चाहिए। आज जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं, जो सत्य निकल के आ रहे हैं, वो अपने आप चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। मैं मानता हूं जब कोर्ट का फैसला होगा तो कोर्ट का फैसला निर्छीर विवेचन का काम करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जो भावनाएं हैं उन भावनाओं से इतर आज जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों पर कोई तर्क नहीं है। और इस बारिश पठान किस प्रकार के कुतर्क करने का काम कर रहे हैं। अरे जितने विशालकाय नंदी भगवान बैठे हुए हैं, उतने विशालकाय नंदी भगवान को देख करके पूरे विश्वास के साथ सनातन धर्म को मानने वाले लोग कह सकते हैं, शैव संप्रदाय के लोग कह सकते हैं कि जितने बड़े नंदी हैं उससे बड़े शिवलिंग का आकार होगा। और आज ये शिवलिंग का आकार देख करके ऐसा लग रहा है कि ये जो दावा किया जा रहा है, इस दावे में तथ्य है, तर्क है, इसमें साक्ष्य है, ये बेबुनियाद नहीं है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद कोर्ट जो डिसीजन देगा, कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही अंतिम आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोगों का कोर्ट में यकीन नहीं है, कुछ लोगों का संविधान में यकीन नहीं है, इसलिए लगातार लटकाने, अटकाने और भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वजू करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए कोर्ट ने आदेश किया, राज्य सरकार ने वहां पर डीएम ने एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का काम किया है। मैं मानता हूं आज सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए आगे बढ़कर के जो साक्ष्य निकल करके सामने आए हैं उसके आधार पर समाज को निर्णय लेना होगा। और मैं मानता हूं एक अद्भुत मिसाल कायम होगी कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए हम तैयार हुए हैं, लेकिन जिस तरह का अब तक का इतिहास रहा है इसकी संभावनाएं बहुत कम लगती हैं। जहां तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार का मसला है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के लिए कोर्ट की जो भी भूमिका तय की जाएगी, कोर्ट द्वारा जो भी भूमिका तय की जाएगी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगी।